जय शंकर है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैंने सोचा फिर से काफ़ी टाइम बाद थोड़ी कटिंग हो जाए, स्टिचिंग कटिंग हो जाए, तो मैं वही कर रही हूँ। और सबसे जो यू नो इम्पोर्टेंट बात है बताने वाली कि जो मैं सूट सिल रही हूँ, ये मेरी सब्सक्राइबर है लड़की, उसका सूट है। तो मैं सिलती नहीं हूँ वैसे, लेकिन उसने इतने प्यार से पूछा मुझे और मैं मना नहीं कर पाई उसको। सब देखते हैं कैसा बनता है ड्रेस, मैं आपको बताती हूँ, जब बन जाएगा दिखाती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। तो मेरी कटिंग जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट भी हो ही चुकी है। अब इसके बाद स्टिचिंग करते हैं, तो देखते हैं फिर कैसे। मैं उसको भी मिलवाऊंगी आपसे, जिसका ये ड्रेस है, बाकायदा उसको ट्राई भी करवाऊंगी कि लगती है ऐसी है। बने रहिए व्लॉग में। तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट कर देते हैं।
तो अभी थोड़ा सा सूट बच गया है, इसको अभी रहने देते हैं। चाय का टाइम हो गया तो चाय पीने चलते हैं। चलते हैं फिर। ले ले ले। मम्मी को वीडियोस बनाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मम्मी ऐसे करके बैठे हैं और पापा फोर्स कर रहे हैं कि वीडियो में आओ। तो हम सब चाय पी रहे हैं। तो चाय पी लेते हैं कि पापा तो मैं हूँ अभी लेंटर पे और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा पेड़ जिसपे है फूल। इस पे कुछ लगेगा, फ्रूट देगा, ये मुझे नहीं पता क्या लगेगा, लेकिन जब लगेगा मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तो इस जो ये वाला टाइम होता है बसंत का टाइम, अभी फूल खिलते हैं, नए पत्ते निकलते हैं, तो ये वाला टाइम जो होता है बहुत अच्छा होता है, व्यू भी बहुत बहुत अच्छा होता है। तो मैं अभी आपको यहाँ से जो व्यू दिख रहा है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ऑलमोस्ट जितने भी पेड़ हैं यहाँ सभी खिल चुके हैं, फूल लगे हैं सब पे। और एक ग्राउंड रहा हमारा, ग्राउंड में हमेशा की तरह अभी भी मैच ही चल रहा है। तो पापा ने काम लगाया हुआ है शॉल का। ये देखिए हाथ से बने शॉल, पापा ने तो शॉल का काम लगाया हुआ है। मैं भी निकलती हूँ, जो मैं काम कर रही थी उसको कंप्लीट करती हूँ, उसको आधा ही छोड़ के आ गई थी मैं ऊपर। तो चलते हैं फिर, अब मैं मुझे जो स्टिचिंग बची है थोड़ी बहुत उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो शुरू हो जाते हैं अपने काम पे। तो हमारी एक चीज़ तो बनके रेडी हो चुकी है, अब बनाना है इसका प्लाजो। तो इस तरह की बनी है ये, पहन के लगेगा पता कि अब कैसी लगेगी। तो प्लाजो बनाते हैं। फाइनली ड्रेस है वो रेडी हो चुकी है, तो उसको प्रॉपर दिखाऊंगी मैं आपको कल। कल बोले तो जब जिसकी ये ड्रेस है उसको पहनाऊंगी फिर दिखाऊंगी आपको।
की ड्रेस मैंने बनाई थी कल, वो अभी आ गई है, मैं आपको मिलवाती हूँ उससे। तो लेखा आना यहाँ पे, ये रही। तो इनका नाम है लेखा। हाँ जी, तो ड्रेस बन चुकी है, अब ट्राई करते हैं कि कैसी लगेगी। आई होप अच्छी लगे और आपको भी पसंद आए, है ना। हाँ जी, तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। नहीं लगते ठीक है, कंफर्टेबल है ना? पूर कंफर्टेबल है, बाय भी क्यों नहीं सकती। अच्छा, ये क्यूट ही लगते। हाँ, तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लग रहा है हमारी क्यूटी पाई पे। मस्त मस्त। तो अभी ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है, इसी के साथ जो नाम है वो भी मेंशन कर देते हैं। तो पहला नाम है सुषमा कुमारी जी, ये दिल्ली से हैं। थैंक यू सो मच सुषमा जी। और हैं सारांश बोध, ये मनाली से हैं। थैंक यू सो मच सारांश जी। और हैं कशिश, कशिश जो हैं ये जोगिंद्रनगर से हैं। थैंक यू सो मच कशिश। संदीप कुमार जी हैं ये, इनकी बेबी है शारू, SHARU शारू, आई होप मैं प्रोनाउंसिएट सही कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच शारू। और हैं पलक, पलक जो हैं सिंहता से हैं। थैंक यू सो मच पलक। और ये गुरपाल कौर जी हैं, इन्होंने बोला नहीं है मेंशन करने को, लेकिन ये हमेशा कमेंट करते हैं, हार्ट्स हमेशा इनका जो कमेंट होगा ये हार्ट ही होगा। तो थैंक यू सो मच गुरपाल कौर जी, आपको भी हमारी ओर से बहुत सारे हार्ट्स। तो थैंक यू सो मच इतनी दूर दूर से हमें प्यार भेजने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच, अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे आप एंड कर देते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सबको ट्रक भर के प्यार और थैंक यू सो मच। तब तक ख्याल रखो अपना और अपनों का, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय शंकर।